हिम्मतनगर नवा सर्किट हाउस खाते साबरकांठा जिला कोंग्रेस संगठन की कारोबारी बैठक योजवामां आवी हती ने उत्तर जोन ना प्रभारी राकेश किशन ओझा हाजर रह्या हता। हिम्मतनगर नवा सर्किट हाउस खाते आज साबरकांठा जिला कोंग्रेस ने कारोबारी बैठक योजाई हती ने राम किशन ओझा अने गुजरात प्रदेश कोंग्रेस समिति ना प्रभारी दिनेशभाई गढ़वी उपस्थित रह्या हता। आगामी लोकसभा की चूंटणी पहेला संगठन ने मजबूत बनावा माटे आ बैठक में चर्चाओ करवामां आवी छे। हाल कोंग्रेस कार्यकर्ताओ लोकोनी वच्चे जवा माटे उत्तर जोन ना प्रभारी द्वारा अपील करवामां आवी हती ने लोकसभा की चूंटणी पहेला लोक संपर्क वधारवानी पण तेमणे अपील करी छे। किस सब्जेक्ट के लिए आज मीटिंग रखी गई थी? आज की बैठक जो है वो कारोबारी बैठक थी साबरकांठा जिले की। इसके अंदर में सारे हमारे तालुका अध्यक्ष फ्रंटल सेल के सारे अध्यक्ष पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारी जिला अध्यक्ष हमारे प्रभारी लोकसभा के और जिला प्रभारी के सारे उपस्थित थे। आने वाले लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखकर और संगठनात्मक काम जो हमारे हाथ में लिए हुए हैं जो संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं उसके लिए एक विस्तृत चर्चा सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से हुई है। और जिसके अंदर हमारे जो भारत जोड़ों के बाद जो हमारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है, सदस्यता अभियान है और मंडल की नियुक्तियाँ हैं, इस संबंधित और आने वाले लोकसभा चुनाव में जो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटियां हैं तालुका स्तर पर जिले स्तर पर, ये सारी की नियुक्ति कैसे करनी है, कैसे काम करना है, कैसे कार्यकर्ताओं से तालमेल लगा के उसकी तैयारी पूर्व तैयारी है। तो आज का ये हमारा मीटिंग था। लोकसभा के लिए कांग्रेस की पॉलिसी क्या रहेगी खास करके साबरकांठा जिले में? लोकसभा के लिए पॉलिसी नेशनल पॉलिसी लेकिन जो नेशनल डिसाइड हो उसका हम करेंगे। यहाँ आप किस टाइप की बात क्या मैं आपका सवाल समझा? लोकसभा इलेक्शन जीतने के लिए कांग्रेस की पॉलिसी क्या रहेगी साबरकांठा? ठीक है, साबरकांठा पिछले 15 वर्षों से शायद हमारे पास नहीं है, उसके पहले कांग्रेस के पास ही था। अब चाहे हमारी गलतियां समझिए या लोगों का जो भाजपा के प्रति विश्वास था, जिस विश्वास के नाते लोकसभा में भाजपा को यहाँ से सीटें गई है, आज पूरे देश भर में जनता त्रस्त है और लोग जो है वो विरोधाभास की बात करने लगे हैं। क्योंकि एक कलरफुल दुनिया आप कुछ समय तक दिखा सकते हैं, लोगों को कुछ दिन तक भ्रमित रख सकते हैं, झूठ मूठ के आश्वासन आप कुछ दिन तक दे सकते हैं। अब ये भ्रम का जाल पूरे देश पर टूट चुका है। ये विरोध विधानसभा के इलेक्शन के पहले भी था, तो कांग्रेस में ऐसी क्या खोट आ गई तो लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे कांग्रेस को? नहीं, एक्सेप्ट की बात नहीं, लेकिन हाँ उनको कहा कमी कहाँ हुई? अगर हमारे वोटों का विभाजन एक सेकुलर पार्टी ने आकर किया है तो वोट में तो कोई बहुत ज्यादा प्रतिशत हुआ नहीं, और उस व्यक्ति को यहाँ लाकर चुनाव में खड़ा किया गया। ठीक है, एक आइडियोलॉजी की बात थी, उन्होंने अपनी बात कही, कांग्रेस ने अपनी बात कही, मतों का विभाजन हुआ है। मतों का विभाजन कराने में कहीं नहीं भाजपा का भी रोल रहा, उस मतों का विभाजन कारण हमारा नुकसान हुआ जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे लोगों ने लोगों का विश्वास नहीं अर्जित किया हो, लेकिन 27 वर्षों का शासन है, 27 वर्षों से कार्यकर्ता कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर हुआ, ये भी अब सही बात है। और लेकिन कार्यकर्ता आज भी पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है और कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश है, कार्यकर्ता चाहता है कि सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए। ठीक है, भ्रमजाल जो था जिस देश में, साबरकांठा में हो, गुजरात में हो या पूरे देश में हो, कहीं ना कहीं उसको तोड़ने का समय आ गया। और जनता इस समय पूरी तरह से ताकत के साथ इस, अगर आप देखेंगे माध्यमों से भी और लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से भी, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में परिवर्तन की लहर आ रही है और हमें विश्वास है कि इस बार लोकसभा में परिवर्तन की लहर है। BS90 न्यूज़ साथ है जितेंद्र सोलंकी साबरकांठा।